सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें। इन लोगों ने जो देखा है 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विश्व में देश का मान और सम्मान बढ़ाया और जो अनुकरणीय कार्य किए हैं जिनके हम सोच नहीं सकते वो कार्य करके दिखाए हैं मोदी जी ने। मोदी जी की गारंटी है, निश्चित रूप से वो पूरी करते हैं। इसलिए हमारे आज के युवा में बहुत जज्बा है और इन युवाओं के हाथ में एक विकसित भारत सौंपना चाहते हैं, ये उनकी सोच है, उनका विजन है। देखिए राजस्थान या नहीं अपितु पूरा हिंदुस्तान माननीय नरेंद्र मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, आज भारत देश को किस जगह पे लाए, जो 11वें स्थान पे था उसको 5वें पे 10 साल में लाके उन्होंने छोड़ा है, निश्चित रूप से छोड़ा ही नहीं बल्कि नंबर 1 पे लाने का उनका विजन है। और राजस्थान की नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके काम को और उनके विजन को समझ गई है। निश्चित रूप से जो दूसरी सरकारें हैं रही है और जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमारे इस राष्ट्र हित में काम नहीं करती है, न केवल और केवल जो मोदी जी राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पूरी जनता ने मानस बना रखा है कि हम राजस्थान में हम 25 की 25 सीट लाएंगे। जिस तरह से हमारी अभी 3 महीने पहले जो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनी है, निश्चित रूप से आपने 3 महीने में देखा होगा कि कभी भी आप पूर्ववर्ती सरकारें जो रही है 3 महीने में इतने काम नहीं कर पाई जो आपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने आपने देखा होगा कि बिड़ते उन्होंने कितने काम किए हैं वो आप सबके सामने हैं। और कल ही उनका एक बहुत बड़ा जो विजन और जो रहा उसके तहत उन्होंने जो कार्य किए हैं कि पेट्रोल डीजल किस तरह से व्यवस्था के रूप में जहाँ पेट्रोल डीजल के दाम कम है वहाँ पे कम छूट दी गई है और जहाँ ज़्यादा थे वहाँ ज़्यादा छूट दिए, इस व्यवस्था के तहत हमारे 1 रुपये 35 पैसे लेने लगाकर 5 रुपये 35 पैसे तक के जो पेट्रोल और डीजल में उन्होंने हमारे को GST में राहत दी है। और इसी लिए उन्होंने हमारे जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों का 4% DA दिया गया है। इतना ही नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं वो आप लोगों से कहीं छुपे हुए नहीं है और इनसे भी सहमत है। इन 3 महीने के जो कार्य रहे हैं उनसे हमारी राजस्थान की जनता खुश है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो मतदान और हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। ऐसा है, केवल और केवल दूसरी पार्टियां मुद्दा बनाती है, काम करती नहीं है। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम हाथ में लेते हैं उसको निश्चित रूप से पूरा करके छोड़ते हैं, उसी के तहत उनका विजन और सोच था वो काम करके रहते हैं। ऐसा नहीं है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं दूसरी पार्टियां केवल वो सोच ही रही है बाकी कुछ कर नहीं रही है, बाकी ये कहते हैं जो करते हैं और आपके सामने करके दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव में 2 बड़ी चुनौतियां हैं, एक CP जोशी चित्तौड़गढ़ के वहाँ विरोध चल रहा है, जोधपुर में विरोध चल रहा है भाजपा नेताओं का कार्यकर्ता। देखो भारतीय जनता पार्टी में आपको कहीं भी विरोध देखने को नहीं मिलेगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी में छोटे से लेकर के बड़े कार्यकर्ता को जो भी दायित्व देता है उस दायित्व को निभाती है, लेकिन ये दूसरी पार्टियाँ बिना मतलब के लिए हमारे लिए कहती है, बाकी उनके लोग हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संस्कार को देखते हुए, इसके काम को देखते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम को देखते हुए हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ये ज्वाइन कर रहे हैं, जो आपको सबको पता है, आप देख रहे हो कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वो क्यों। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स।